वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, जो अभी अभी उठे हैं और उनसे उठा नहीं चाह रहा है क्योंकि नींद उन पर हावी हो चुकी है, जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा, वजन बढ़ा हुआ है और रोज़ अपने आप से वादा करते हैं, रोज़ अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मैं आज से अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, वजन घटाऊंगा। अच्छा, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हमारे जितने भी ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं हमारे पास, हमें गाइड करते हैं कि जो वेट है कम करना वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अपने आप को हेल्दी रखना। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सब कुछ खाना छोड़कर आप अवजार हो जाएंगे दुनिया से। हर चीज़ लें, सब कुछ खाएं, लेकिन पोषण का जो ख्याल है वो रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा भी महसूस करेंगे, अपने आप को फिट भी महसूस करेंगे, हेल्दी भी करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। वो क्या हैं वो हम आज आपको बताएंगे इन आवर प्रोग्राम, मज़ीद मोटिवेट करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जनाब हाफिज़ खालिद जनाब मौजूद हैं, मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, इनका अपना फिटनेस क्लब है और बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं आप लोगों को भी, मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा खालिद साहब, आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ उन मर्द और ख्वातीन के लिए है जिनके पास हमेशा एक्सक्यूजेज रहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है जिम जाने के लिए। और नो डाउट, चले हम एक्सक्यूजेज नहीं कहते, हो सकता है कि वाकई मजबूरी हो भी, क्योंकि ख्वातीन की रूटीन बहुत टफ होती है, बहुत बिजी होती है विद किड्स। वो मर्द हजरात जो कि दफ्तर में दिन भर काम करते रहते हैं, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं बचता, तो लेकिन ख्वाब तो वो भी देखते हैं, दिल तो उनका भी करता है ना कि तोंद ना निकली हो, दुबले हो, पतले हो, खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें। तो आज उन तमाम लोगों के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आज आपने जो टॉपिक चुना है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल और हेल्पफुल टॉपिक है और हर बंदे को इंशाल्लाह इससे इस्तफादा भी होगा। और हर बंदा अगर ये बात मान ले हमारी आज का टॉपिक जो है जितना खूबसूरत होने वाला है, शर्त ये कि मानना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि कानों की खिड़कियाँ सारे खोल लें। बहुत मैं को बहुत टफ जॉब नहीं बताने लगा, बड़ी सिंपल सी ट्रेनिंग। देखिए, क्रैश डाइट जो है ये आपने सुना होगा, हर बंदा करता है, कीटो डाइट है, क्रैश डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हर बंदे को पता है। क्रैश एक्सरसाइज क्या है? क्रैश एक्सरसाइज, यस, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम में जो यूथ है हमारी, अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं जो यूथ में आते हैं। उस 12 करोड़ आवाम में 5.5 से 6 करोड़ मेल हैं और बाकी फीमेल हैं। अच्छा, अब ये जो मेल हैं ये 5-6 घंटे 8 घंटे मतलब काम करते हैं ऑफिस में, सारा दिन काम 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 करने के बाद जब ये वापस आते हैं तो फिर ये मोबाइल को, सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, मूवीज़ को टाइम देते हैं, फ़ोन कॉल्स को टाइम देते हैं। अब ये बंदे, आप इनसे, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, आप इनसे ये कहें कि आपने जिम जाना है तो ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो क्या वो हैंडसम, ग्लोइंग, खूबसूरत लगना छोड़ दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं अपने आप को हमेशा फिट रहने के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप 7 डेज ट्रेनिंग नहीं कर सकते, 7 दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वीक में हम 2 दिन तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इससे शॉर्ट टाइम क्या होगा आपकी फिटनेस के लिए? देखिए, किसी के पास 7 दिन में 2 बार सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग करनी, 7 डेज में सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग करनी है और वो 2 दिन में अपने बॉडी पार्ट्स को अपने ट्रेन करना, फुल बॉडी पार्ट्स को। अच्छा, मर्द ख्वातीन, यस, दोनों के लिए ये बात है, ठीक है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। अच्छा, उसके लिए आपका ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव मामला है कि अगर इसकी, इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपके लिए ट्रेनर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस हैं फिर तो ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो फिर भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हफ्ते में जो 2 दिन है, इसकी ड्यूरेशन फिर कितनी होगी? जी, 2 घंटे की एक्सरसाइज होगी आपकी, फिर आपने देने हैं exactly, आपको ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। ओके, हाई इंटेंस वर्कआउट होगा आपका जिसमें आप चेस्ट को, विंग्स को और बाइसेप को 1 दिन ट्रेन करेंगे और फिर तीन ऑफ होंगे आपके, तीन छुट्टियां होंगी, तीन छुट्टियों के बाद, यानी ऑफ एंड ऑन ऑल्टरनेटिव डेज में हम 3 छुट्टियों के बाद, फिर जो 4th दिन आएगा उसमें फिर हम क्या करेंगे, 4th दिन में हम
अगेन फिर सेम प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे जिसमें हमारा ट्राइसेप होगा, शोल्डर होंगे और लेग्स होगी। सही, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट वर्कआउट होगा दो दिन में, एक हफ्ते में जो हमने कंप्लीट किया है। अच्छा, इसमें ख़ास ख्याल ये रखा जाएगा कि देखिए जब आप बिगिनर हैं तो इसमें चांसेस हैं आपके पास कि इंजरी ना हो खुदा ना खास्ता। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका ट्रेनर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप दो घंटे तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही कर सकता है। देखिए किसी की हेल्थ इजाज़त नहीं देती, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है, वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को साइड पे रख के अगर आप अपनी लाइफ को खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हैं, देखिए बॉडी बिल्डिंग एक लाइफ स्टाइल है, बॉडी बिल्डिंग एक कंसिस्टेंसी का नाम है, बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, बॉडी बिल्डिंग एक बैलेंस का नाम है। जब तक आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी आप हेल्दी एंड फिट नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छी डाइट खा लेते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अच्छी नींद ले लेते हैं, अच्छी डाइट खा लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते। अब बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी नींद भी ले लेते हैं, अच्छी डाइट भी खा लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, अब उनका जो स्ट्रेस है वही उनका दुश्मन बन गया है। ओवर ट्रेन बॉडी को करना भी आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, पॉइंट ऑफ बी नोटेड। यानी अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के लिए भी ये हेल्दी है। देखिए मैन टू मैन ये बात वेरी करती है, आपको खुद पता है कि आपकी बॉडी कैपेसिटी क्या है, आपकी बॉडी कैसे, मतलब बॉडी कंपोजिशन कैसे बेटर हो सकती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपका जो BMI है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसका टेस्ट बहुत जरूरी है इसके लिए। सही। अगर देखे आप स्किनी है, अब आपकी बॉडी में जो है फैट की परसेंटेज कितनी नॉर्मल है? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपका। 20-25% अगर आपकी बॉडी में फैट लेवल है तो ये दैट इज नॉर्मल। इससे ज़्यादा है तो फिर आप ओबीस होंगे, फिर आप फैटी लीवर होगा, फिर फैट्स बॉडी के ऊपर आएंगी, डी शेप होगी, मसल वीक होंगे, पट्टे वीक होंगे, फिर आप डायबिटिक भी होंगे, हाइपरटेंसिव भी होंगे। और ये हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है इन चीज़ों का हमें। और दूसरा पता क्या बात है, हम लकीर के फ़कीर हैं, हम गूगल के ग़ुलाम हैं। आज गूगल हमें जो सिखा रहा है हम वो सीख रहे हैं, जबकि गूगल के ऊपर 100% परफेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी नहीं हो सकती। आपको ये भी बता देगा कि पानी ज्यादा पीने का भी नुकसान है, नुकसान तो आप जो लिखेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च मिल जाएगी, आपने जो लिखना है आपको उसका आंसर आ जाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी बॉडी का मतलब समझना चाहिए, सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को हर इंसान को समझना चाहिए। इंसान का बेहतरीन उस्ताद है इंसान की आँख। जो आप खुद अपनी बॉडी को जज कर सकते हैं ना, कोई ट्रेनर, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डाइटिशियन नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। आपने जब ट्रेनिंग करनी है तो वो सिर्फ आप हैं और आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा, जब तक आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो लबीहा आप कभी भी फिट नहीं होंगे, मेरा मानना ये है। और ये अच्छी नींद तरीका जरा जी, बताते अच्छी हैं हमारे देखने वालों को। अच्छी नींद, 8 घंटे की स्लीप आपकी, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए इसका मैं सिंपल सा कुलिया बताने लगा हूँ आपको, आप इसके ऊपर जो भी बंदा अमल करेगा इंशाल्लाह डेफिनेट उसको फ़ायदा होगा। अगर आप ओबीस हैं, बॉडी को लीन करना चाहते हैं, तो फिर आप हाई प्रोटीन पे आ जाएं, आप अपने कार्ब लो कर दें, फैट्स लो कर दें और हाई प्रोटीन पे आ जाएं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लीन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो कार्ब हाई कर दें, फैट्स हाई कर दें, प्रोटीन लो कर दें। ठीक है, अगर आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप अपना गुड फैट्स, अपनी कार्ब और अपनी प्रोटीन, ये तीनों चीज़ों को मेंटेन। अच्छा, जब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का भी है, देखिए सब तो इतने पढ़े लिखे नहीं है हमारे यहाँ लोग, बहुत सारे लोगों को हमारी ये गुफ्तगू भी समझ में नहीं आ रही होगी, कार्ब्स प्रोटीन और ये आम लोग इसको नहीं समझते हैं कि किस तरह। अब एक सवाल ये भी यहाँ पे होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम फैंसी डाइट्स नहीं कर सकते। अब जिस तरह के हमारी गुफ्तगू से, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ना जाने कौन सी प्रोटीन ऐड करनी पड़ेगी, कौन से फैट कम करने पड़ेंगे, कार्ब कितना नॉर्मल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी और हमारी फील्ड इस तरह की है कि वी अंडरस्टैंड ना ये सारी चीज़ें, लेकिन आम बंदा उसके लिए अपनी प्लेट बनाना या उस पोर्शन का ख्याल रखना इज़
वेरी मुश्किल थिंग, बहुत आसान कर देते हैं अभी। बिल्कुल, तो हम मैं इसीलिए चाहते थे कि हम इस पे आते हैं very good कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घर में खाना चूंकि बन रहा है तो घर में जो हमारे तरीके हैं उसी तरीके से अम्मियाँ दादियाँ के घर के वही खाने हैं, सब्जी पकाई इतनी पका दी कि सारे न्यूट्रिएंट्स निकल गए, घी बीच में इतना है कि वो ऊपर तक तैर रहा है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम अब कैसे घर में अपने लिए अलग खाना बनाएं या क्या करें, अब उन लोगों को कैसे आप गाइड करेंगे? लेकिन अभी है, सबसे पहली बात यह है कि मैं कभी भी बहुत फैंसी डाइटों के हवाले से मैं नहीं कभी रिकमेंड करता करें? कि आप बहुत हाई फाई डाइटें करें हाँ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपको डाइट बता दूं जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली ना हाँ। हो तो फिर वो आप नहीं कर सकेंगी, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल पोषण कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहली बात यह है कि अंडा जो है ना सुपर फूड है, इतनी सस्ती प्रोटीन आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, सालन से भी बचेंगे यार, जस्ट बॉईल कर ले, जस्ट दो अंडे बॉईल करें, इससे हाँ। अच्छी कोई प्रोटीन नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिश जो है, मेरा हाँ। मानना ये है कि फिश आप कोई भी ले लें, फिश सभी की प्रोटीन, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो एक जैसी है, मतलब एक बंदा सैल्मन नहीं खा सकता तो अब वो क्या रोहू भी ना खाए हाँ। ये पॉसिबल नहीं है। डेट्स जो है, डेट फुल ऑफ आयरन का सोर्स है, मेरा मानना ये है कि आप डेट्स अगर 400 पर केजी वाला लेते हैं तो 4000 वाला भी लेते हैं तो बात एक ही है। आलमंड आप खाते हैं तो सेम इसी का भी यही फॉर्मूला है कि आलमंड 500 वाले भी है, अमेरिकन भी है, सारा वही है। अच्छा, ये सब शशके हैं, आप इन शशकों से बाहर आए, जितने बड़े स्टोर पे जाएंगे उतनी बड़े दाम लेकर आएंगे। देखिए जो चीज आपको पॉकेट फ्रेंडली होगी वही चीज आपको लगेगी भी, न्यूट्रिएंट्स तो वही है ना, आपकी बॉडी के ऊपर भी उसी के फायदा होगा ना। जो चीज आप देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल अनार का जूस है, अगर मैं 1000 रुपए का अनार का जूस पी रहा हूँ, भाई मैं तो देते वक्त ही पीला हो गया हूँ, मैंने लाल कहाँ से होना है? तो यही बात, अगर फॉर एग्जांपल हमें पॉकेट फ्रेंडली हो, हमारी पॉकेट को सूट कर रही हो, जो हम अफोर्ड कर सकते हो, देखिए हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं कहनी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए सिंपली ये है कि आपका क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन, कार्ब और फैट्स जो है ये कैसे पॉसिबल है। गुड फैट का सबसे अच्छा सोर्स है नट्स हैं, चिया सीड्स हैं, देसी घी सुपर फूड है आजकल, मतलब लोग पहले कहते थे देसी घी जो है वो फैटी लिवर करता है, देसी घी ओबीस करता है, देसी घी मोटापा लाता है, देसी घी बीमारियों का बाइस बनता है। आज जदीद रिसर्च दुनिया कह रही है देसी घी से बेहतर कोई और चीज़। आज से पहले जब हम छोटे थे हमारी अम्मी जान, हमारे अब्बू जान वो हमेशा कहते थे देसी घी खाएं, चाहे रोटी के ऊपर लगा के इतना सा खाएं पर देसी खाएं, दूसरा ना खाएं। आज रिसर्च ये कहती है कि देसी घी से अच्छा कोई घी नहीं है। गुड फैट्स की बात हो रही थी तो गुड फैट्स में देसी घी का 1 नंबर है, आपके नट्स हैं, आपके चिया सीड्स हैं, इसके अलावा गुड फैट्स में आप मतलब ये इसके अगर पोर्शन बना के आप कर लें, मतलब थोड़े थोड़े भी एक मील जो है वो आप नट्स का रख लें, अगर आपने देसी घी का 1 टेबलस्पून 10 ग्राम का आपकी बॉडी की नीड है वो काफ़ी है आपके लिए। मगर उसका फिर अदर सोर्स से ना जा रहा हो, ये भी शर्त है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए ये नहीं ना कि अब आप वो तली हुई चीजें खा रहे हैं और अब आप देसी घी का भी एक चम्मच ले लें कि ये तो बहुत फायदेमंद है, तो फिर आप ये कह रहे हैं देसी घी से फर्क नहीं पड़ रहा हमें हाँ। ऐसा नहीं है। देखिए प्रोटीन जो है आपकी दालों का बड़ा अच्छा सोर्स है, इसके अलावा राजमा जो है जिसे रेड किडनी बीन्स कहते हैं हम, और इसके अलावा आप ब्रोकली ले लें, ब्रोकली बड़ी अच्छी प्रोटीन है, सुपर फूड है ब्रोकली। फिर इसके अलावा एग्स है, फिश है, दालें हैं, ये सब चीज़ें, ये इतनी ऑप्शन का मतलब है जो ऑप्शन आपको सूट करे, जो आप इजीली आपके सक्सेस में हो, आपकी एक्सेस में हो, आप वो चीज़ ले लें। सिंपली ये है, इतनी ऑप्शन देने का मतलब ये है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या ले सकते हैं। रोटी सबसे सुपर फूड है, सबसे सस्ता फूड है, 1 चपाती 2 एग, एग में अगर आप थोड़े टमाटो डाल लें, थोड़े आप ग्रीन चिली डाल लें, थोड़ा सा आप उसको वेजिटेबल डाल लें, जितने भी ऑनियन डाल लें, उसमें थोड़ा सा गार्लिक कट कर लें, ऐड कर लें, कोटा ऐड कर लें, इससे अच्छा कोई हेल्दी फूड नहीं है। और ये और अच्छे ऑलिव ऑयल में बनी हो अगर, या ऑलिव ऑयल में, कोकोनट ऑयल में बना लें इसको, या फिर आप देसी घी में बना लें, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है सभी के लिए, सारे अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी एक मील तो यही हो जाती है, एक मील तो यही हो जाती है। देखिए इसके बाद बात आ जाती है कि नेक्स्ट हमने ब्रंच में क्या करना है। सीजनल फ्रूट्स, अल्लाह ताला ने हर सीजन में फ्रूट्स उतारे हैं, और मैं कहता हूँ कि अब जब एप्पल आलू के भाव हो जाए तो फिर खूब दबा के खाएं। इसका मतलब है कि उसमें अल्लाह ने शफा भी डाली है, अल्लाह ने उसकी न्यूट्रिशन जो है
उसके अंदर हर वो चीज़ है। जब फल सस्ता हो जाता है तो वो मौसम के मुताबिक हो जाता है, तो वो खाएं, एप्पल खाएं, सीजनल फ्रूट जो भी है। अच्छा, बेसिकली कोई भी वो चीज़ जिसमें 90% वाटर कंटेंट है या 70% वाटर कंटेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर हम देखें अर्थ की भी इक्वेशन को समझें तो 70% इज़ वाटर और बाकी जो 30% है वो है हमारी बॉडी का भी। आप देखें कि इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, तो हमें वही चीज़ें खानी है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ये जितना भी जंक फूड, बेक्ड फूड आया, ये सब बेसिकली अमेरिका से, वहाँ से आया, क्योंकि वहाँ के लोग वर्किंग लोग हैं और टाइम नहीं है उस तरह से कुक करने का। तो ये सब चीज़ें, ये सब बीमारियाँ, और आप देखें कि दुनिया में बीमारियाँ, डिजीज़ कितनी बढ़ती चली गई क्योंकि हमने पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स खाना शुरू किए जो कि बिल्कुल ड्राई खाने, और हम फ्रूट से, वेजिटेबल से दूर चले गए। पहले तो हमारे बचपन में रॉ, अमियाँ याद है, हमारे अब्बा बताते हैं कि कच्चा शलजम खा लेना, खीरा, टमाटर पकड़ के हमने गाजर खा लेनी, मूली खा लेनी, पकड़ के हमारे बच्चे तो इन चीज़ों को सूंघते भी नहीं है। बिल्कुल, तो उतनी ही प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ हमारे घरों में मौजूद हैं। तो जिन चीज़ों में वाटर कंटेंट है, दैट इज योर फ्रेंड। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे भी आ गई है शोज कर करके। आज हम नेचर के टोटली अगेंस्ट चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत पीछे चले जाए, 40 साल पहले, 50 साल पहले तो लोग साइकिल पे सफर करते थे जी, पैदल भी चलते थे कितना। अच्छा, आज देखिए, हम जिम जाते हैं, सबसे पहले हम साइकिलिंग करते हैं, गाड़ी में जाके साइकिलिंग करते हैं। अच्छा, लोग एक था सिस्टम, पहले घड़ा होता था मिट्टी का जिसके अंदर पानी डालते थे, और वही फ्रिज होता था क्योंकि फ्रिज होता ही नहीं था। अब हम वही ठंडा पानी जो है कोशिश करते हैं फ्रिज में ठंडा करके पीते हैं। तो बात यह है कि अब टोटली जब नेचर के अगेंस्ट आप लोग चलेंगे तो फिर डेफिनेट प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप सूरज को जगा रहे हैं ना, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर सूरज आपको जगा रहा है ना, तो आप कभी हेल्दी नहीं रहेंगे। वेरी सिंपल, छोटा सा कुलिया, अगर सूरज आपको जगा रहा है तो आप हेल्दी एंड फिट कैसे रह सकते हैं? अगर आप सूरज को जगा रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। अपनी क्लॉक आपको ठीक करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेचर कहती है कि सुबह अर्ली उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप कुछ भी ब्रेकफास्ट करना हल्का फुल्का वो करें। मेरा मानना यह है कि जो लोग अर्ली उठते हैं, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं आप देख लें, जितने हेल्दी लोग हैं, मैं एथलीट हूँ, मैंने वर्ल्ड के जितने एथलीट देखे हैं, चाहे वो गोरे हैं, काले हैं, किसी भी, वो उठते अर्ली इन द मॉर्निंग, और एक्सरसाइज होती ही अर्ली इन द मॉर्निंग है। ठीक, हम वो टाइम सो के गुजार रात के 10 बजे करते हैं, यहाँ पे जिम भरे होते हैं उस टाइम। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जबकि आप देखें सारा दिन आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हुई होती है, वो वर्किंग नहीं करती जो अर्ली इन द मॉर्निंग करती है। जो आप सुबह उठते हैं, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आपको आती, आपकी बॉडी 8 घंटे की स्लीप के बाद रेडी होती है कि आप उसको जितना मर्जी टफ टाइम दें तो वो आपके साथ है। लेकिन जब आप सारा दिन गुजारने के बाद, तो हिम्मत कहाँ से आएगी? I don't understand कि वो जो लोग शाम को या रात को जाते हैं, उनकी बॉडी उस तरह से एक्टिव कैसे हो? कैसे हो सकती है जब आप काम का, आप थक जाएंगे जल्दी, थक जाएंगे आप। होता क्या है कि उसके बाद जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, घर जाते हैं, जाके गिर जाते हैं, फिर हम एक हफ्ते बाद, महीने बाद कहते हैं फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी को फर्क पड़ेगा, फर्क इसको समझने की जरूरत है। जिम के आने के बाद भी आपने फिर एक बहुत हैवी मील ले लेनी है। मैं कहता हूँ रात की एक्सरसाइज और रात का खाना। देखिए ना, बिहार ट्रेनिंग डेली ना करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर ले, हफ्ते में 2 दिन कर ले, लेकिन अपनी डाइट, आपका 85% रोल जो है न्यूट्रिशन का है, सही, और 15% रोल जो है वो है बाकी एक्सरसाइज का और फिटनेस का। जब तक आपका 85% जो ठीक नहीं होगा ना, वो 15% भी ज़ाया है आपके। हर बंदे को मैं ये कहता हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करें, कम से कम खाएं। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी का ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि अल्लाह की जो तख्लीक है, पूरी दुनिया में जितने जानदार हैं, इंसान एक वाहिद जानदार है जो अपने कद के मुताबिक सबसे कम फूड पे ज़िंदा और हेल्दी रह सकता है। उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारा कोई काम नहीं है सिवाय सारा दिन हम खाते हैं। आप ये देखें, शेर दिन में एक दफ़ा खाता है, बकरी सारा दिन खाती है, वो फिर इतनी सी रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक दिन एक दफ़ा खा लें, 2 दफ़ा खा लें, लेकिन प्लीज़ खुदारा ये मंचिंग बंद करें, कर दे, जो मिल जाए खा लिया, जो मिल जाए चीज़ें घर में ला के रखना बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे बीमारियों से बचे रहें, हेल्दी हों, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम जाते हैं ना अपने लाड में, प्यार में,
बहुत सारी पैकेट्स वाली चीज़ें ले आते हैं, तो ये प्रोसेस चीज़ें जो हैं इनसे अपने आप को, अपनी अगली जनरेशन को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और एक बार फिर से हमें शदीद मोटिवेशन के साथ हम ये सेगमेंट अपना क्लोज कर रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी है, उसके क्या उसमें आप चैलेंजेस फील कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट शो में जो है उन सारी बातों को भी डिस्कस जरूर करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।